यार ये क्या हो गया, इसे तो कीड़ियां भी पड़ चुकी हैं। ये वो फीमेल थी जो किंग के क्रॉस में से निकली थी, तो एक ही मेरे पास फीमेल थी जिसका क्रॉस था यानी कि किंग में, तो वो भी एक्सपायर हो गई है। कल रात को मैंने इसे देखा था, काफ़ी ढीली ढीली थी। इसकी आंखों का मसला था, वो मैंने सही कर दिया था, तकरीबन सारी आंखें सही हो गई थी इसकी, लेकिन रात को पता नहीं क्यों ढीली थी ये। तो अभी ये एक्सपायर हो चुकी है, अभी मैं इसे बाहर निकालता हूँ, काफ़ी सारी कीड़ियाँ हैं इसके ऊपर, तो एहतियात से निकालना पड़ेगा यार। ये देख सकते हैं क्या हाल हुआ है इसका, दाने होने लग गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कीड़ियाँ पड़ चुकी हैं इसे, मैं शॉपर से उठाता हूँ, तो आप देख सकते हैं पता नहीं क्या इश्यू बना था इसे, बिल्कुल ही एक्सपायर हो चुकी है। अब हम इसे शॉपर में रख देते हैं, बाकाया इसे ले जाएंगे बाद में बाहर। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये फीमेल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, इसकी भी आंखों का मसला था, इस वजह से मैंने इसे लदा करके रखा हुआ था। तो अब इंशाल्लाह ये फीमेल तो सही हो गई है काफ़ी हद तक, मतलब 90% तो ये सही हो गई है, इसी जैसे इसकी जैसी है सेम। तो ग्रास भी उसी किंग का ही है, लेकिन इसका साइज़ इतना अच्छा नहीं है, ये नॉर्मल बजी वाले साइज़ में है। तो अब हम इस फीमेल को यहाँ पे लगा देंगे इसके साथ, और इसके जो अंडे हैं वो यहाँ पे फॉस्टर कर देंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ुबैर और वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल ज़ुबैर पेट्स मुसाफिर पर। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज देखा, हमारी एक फीमेल एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन आज की जो वीडियो है इस टॉपिक पर नहीं है। आज की वीडियो में हम लेकर आएंगे फिंचीज़, ये तो हमारे पास है ही, ये हमारे पास तकरीबन 3 पेड़ हैं और एक मेल एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके अलावा हम नई फिंचीज़ लेकर आएंगे आज के इस वीडियो में। तो तकरीबन मैंने 8 पेड़ उठाने हैं आज उससे भाई से, उसके अलावा हम और भी लेकर आएंगे, वो किसी और दिन लेकर आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कैसे पसीना आ रहा मुझे, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा बाहर, फिर मैं उसके घर जाऊँगा, वहाँ से फिंचीज़ के 8 पेड़ लेकर आऊँगा एक जाली के अंदर, जो कि ये है इसके अंदर डाल कर लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई की तरफ, फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा क्लिप बनाएंगे अगर भाई ने इजाज़त दी तो, उसके बाद वापस आके वीडियो को मुकम्मल करेंगे। तो दोस्तों क्यों ना जाने से पहले हम इनकी ब्रीडिंग चेक कर लें, क्योंकि तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है इनको मैंने मटकियाँ और नेस्टिंग दी है, तो उम्मीद है कि एक आधा अंडा तो आ ही गया होगा, उम्मीद है, कन्फर्म नहीं है, मैंने खुद नहीं चेक किया इतने कोई ख़ास तरीके से, आज ही चेक कर रहा हूँ, तो आप ही के साथ चेक करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब जब चेक करेंगे आपको भी इसके साथ साथ बताते रहेंगे यार। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, क्या है जी, नेस्टिंग तो फुली अच्छी तरीके से की हुई है, बकाया देखते हैं जी कैसे की है इन्होंने। अभी सिर्फ नेस्टिंग ही है, अभी ब्रीड नहीं की इन्होंने। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, इन्होंने 3 पेड़ हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 ही मटकियों में नेस्टिंग की है, वो तीसरी मटकी में आज नेस्टिंग कर रहे हैं। ये जो सामने मटकी आ रही है यहाँ पे, तो अभी कोई नहीं, देखते हैं क्या चलता है, अभी चलते हैं भाई की तरफ तो लेकर आते हैं पट्ठे। तो दोस्तों ये हम भाई के घर से आए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं भाई का माशाल्लाह सेटअप बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तकरीबन इन्होंने 50 से 60 मटकियाँ लगाई हुई हैं, जिसमें इन्होंने 30 से 40 पेड़ इन्होंने छोड़े हुए हैं, यानी कि 30 से 40 पेड़ इनके पास ब्रीडर हैं जो इस कॉलोनी के अंदर है। तो ये इन्होंने इनडोर बनाई हुई है कॉलोनी, ताकि इन्हें हवा से बचा सकें, लेकिन उसके अलावा भाई ने काफ़ी सारी इन्हें मेडिसिन भी यूज़ करवाते हैं ताकि ये हेल्दी रहें, उनकी जो विटामिन की कमी है वो पूरी होती रहे। तो अभी हम इनसे पेड़ लेके चलते हैं। तो दोस्तों मैं पट्ठे ले आया हूँ, आप देख सकते हैं इसमें पट्ठे हैं हमारे जो इसके अंदर, तो अभी हम इसे अंदर ले कर चलते हैं, मैं केज की तरह जा रहा हूँ, तो अभी हम ले कर जाते हैं इन्हें अंदर। तो ये मैंने अंदर पहले ही दरवाज़ा ओपन करके गया था, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा तंगी ना हो, बच्चे बस तंग करते हैं, सिर्फ इस वजह से लॉक लगाना पड़ता है, वरना लॉक लगाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें। तो अभी हम इन पट्ठों को अंदर इनके साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे केज में छोड़ेंगे, वहाँ नीचे
तो मैं इसे यहीं पे छोड़ गया था, अभी इसे भी बाहर निकालते हैं। तो मैंने ये एक बर्तन पानी वाला रख दिया भर के, तो इसके अलावा हम इन्हें अंदर छोड़ते हैं, फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम ये वाली फीमेल को उठाकर बाहर करते हैं और यहाँ पे जो इसके अंदर अंडे हैं वो चेक करते हैं और इसके अंदर फॉस्टर कर देते हैं। और उससे पहले उसके साथ ही साथ ये जो फीमेल है यहाँ पे, इसे यहाँ पे कर देंगे बाद में। लेकिन उससे पहले हम ये उठा के सबसे पहले, और जो हमारी फिंचिस के पट्ठे आए हैं उन्हें उनके केजीज में कन्वर्ट जो करते हैं शिफ्ट। तो अभी हम यहाँ से उठा लेते हैं और चलते हैं अपने केज की तरफ। यहाँ पे अब हम ओपन छोड़ते हैं अपने फिंचिस को, तो मैं छोड़कर फिर आपको दिखाता हूँ। तो तकरीबन दोस्तों सारे निकल आए, ये आखिरी भी निकल आया। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलरों में पट्ठे आए हैं इस दफ़ा। वाइट में भी पट्ठे हैं, ऑरेंज चिक में भी हैं, और जो है वाइट कलर में भी पट्ठे हैं। तो तकरीबन ये क्लियर हो रहे हैं। दो तीन मेल तो मैंने देख ली है, फीमेल का होता है अंदाज़ा नहीं होता कि फीमेल पक्की है या मेल बन सकता है, लेकिन जो मेल होता है वो पक्का पता चल जाता है। यानी कि वो अगर थोड़ा सा भी जाहिर कर दे कि वो मेल है तो पक्का मेल होता है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनका पक्का नहीं होता कि वो फीमेल है कि मेल है, क्योंकि वो बाद में जाकर हो सकता है थोड़ा सा लेट उनके चिक का निकले, तो हमें सही से अंदाज़ा नहीं होता। तो एक दो तीन तकरीबन चार मैंने मेल देख ली है इनमें से। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कलरों में है और साइज़ भी अच्छा है माशाल्लाह। तो अब हम इनसे ही ब्रीड लेंगे, और इसी भाई से मैंने अभी और भी पेड़ से लेकर आने हैं। ये तो सिर्फ 8 पेड़ हैं, इसके अलावा मेरे कज़न ने भी पेड़ मंगवाए हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। कज़न ने एक कलोनी बनाई है, तो ये पिक्चर आ रही है, इंशाल्लाह इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो अगर कज़न ने इजाज़त दी तो सबसे पहले हम इन्हीं की पेयरिंग करेंगे, देखते हैं क्या बनता है इनका। दोस्तों इस तरफ आ जाते हैं और देखते हैं इस मटकी में कितने अंडे हैं, और उन्हें कर देते हैं शिफ्ट ऊपर वाले केज में। ओहो, मेल निकल के बाहर आ चुका है। तो ये मटकी भी उतरने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब उतर चुकी है। तो माशाल्लाह इसने 3 अंडे दे दिए हुए थे जो थी यहाँ पे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी है। अब इसके अंडे बाहर निकालते हैं। तो अंडों के वज़न से तो लग रहा है कि ये सही अंडे हैं, चेक करते हैं अभी। ये अंडा जो है अभी नहीं फर्टाइल हुआ हुआ, चलो वो गिर गया एक। ये अंडा फर्टाइल है, एक तो टूट गया जी हमसे गलती से, गिर गया। यही मसला होता है फिर अगर हम चेक कर रहे हो तो, अक्सर अंडे गिर जाते हैं। तो यार ये वीडियो बनाने के चक्कर में, तो ये दो अंडे हैं, दोनों इंशाल्लाह फर्टाइल हो जाएंगे। एक तो फर्टाइल ही है और दूसरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा, फीमेल ने अभी एक दो दिन हुए थे अंडे दिए थे। तो एक अंडा अंदर गया और दूसरा अंडा भी अंदर गया, और यहाँ पे हमने इसे शिफ्ट कर दिया अंडों को। एक अंडा यहाँ पे टूट के इसके नीचे चला गया यहाँ पे, तो टूटा नहीं है, वो टूट गया। अभी चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या था। तो इसे तोड़ कर चेक कर लेते हैं, अभी तो टूट तो गया ही था, तो अभी पता चल जाएगा कि ये फर्टाइल हुआ था कि नहीं। नहीं, थोड़ा सा यार फर्टाइलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ पे ब्लड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो कोई नहीं, जैसे अल्लाह ताला को मंजूर था वैसे हो गया। अब यहाँ पर हम जो मेल निकल के बाहर गया वो छोड़ेंगे और ये फीमेल छोड़ेंगे, ये वाली। सबसे पहले इस फीमेल को पकड़ के छोड़ते हैं। दोस्तों मेल मैंने पहले पकड़ लिया, तो भी अभी इसे अंदर छोड़ देते हैं। मेल अंदर जाएगा, अब ये अंदर चला गया मेल, ये हमने कर दिया बंद। इसके अलावा हम पकड़ते हैं फीमेल को, यहाँ से भी पकड़ लेते हैं इसके साथ ही। तो ये फीमेल हमारी, फीमेल भी आ गई है। तो फीमेल को भी हमने पकड़ लिया, लेकिन
यहाँ पे डालेंगे अब फीमेल को भी, फीमेल भी बाहर निकलने लगी है, ये देखें आप फीमेल निकल गई है बाहर और ये हमने इसे बंद कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपने बताना कि आपको हमारे फिंच के जो पट्ठे आए हैं वो कैसे लगे हैं, और आपने ये बताना कि हमें और फिंचेज लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मेरा मूड बन रहा है मैं फिंचेज की तरफ आऊँ। साथ में मैं ये भी रखूँगा जो ऑस्ट्रेलियन है लेकिन फिंचेज की तरफ भी मैं अब आ रहा हूँ, तो इसके बाद हम फिशर की तरफ भी जाएंगे लवबर्ड की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने सपोर्ट करना है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके अपना शौक पूरा करूँगा और आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।